एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ग्रिड लेआउट क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास एंड मेथड्स ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास। तो ग्रिड लेआउट क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है? 3 कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। उसमें से हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देख लिया था, आज हम सेकंड कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सेकंड कंस्ट्रक्टर में हमें पैरामीटर क्या प्रोवाइड करना है? इंट रोज एंड इंट कॉलम। ओके, कंस्ट्रक्टर देखिए पब्लिक ग्रिड लेआउट, और इसमें पैरामीटर क्या प्रोवाइड करना है? इंट रोज एंड इंट कॉलम। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है? क्रिएट्स ग्रिड लेआउट विद द गिवन रोज एंड कॉलम बट नो गैप बिटवीन द कंपोनेंट। तो इस कंस्ट्रक्टर के साथ अगर हमने क्या लेआउट सेट करेंगे तो क्या ग्रिड लेआउट तो सेट होगा, बट क्या जो भी हमने रोज एंड कॉलम प्रोवाइड किया उसके साथ, बट जो जी आई कंपोनेंट है उसमें कोई गैप नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए ग्रिड लेआउट जी एल न्यू ग्रिड लेआउट, और यहाँ पे हमने क्या रोज प्रोवाइड किया 3 एंड कॉलम प्रोवाइड किए 3। तो इस तरह से हमारा ने क्या एग्जाम्पल होगा। देखिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लिस्ट ओपन कर लिया, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम देते हैं ग्रिड लेआउट डेमो, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन न्यू बटन। जैसे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, क्लिक ऑन SRC सिलेक्ट क्लास। पैकेज नंबर प्रोवाइड कर लेते हैं com.utamsoft.gridlout। ओके, क्लास नेम प्रोवाइड कर लेते हैं ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। ओके, देन मुझे मेन मेथड की रिक्वायर्ड है, इसलिए मेन मेथड को चेक किया और मैं क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो यहाँ पे हमारा ने क्या जो यूजर डिफाइंड क्लास है दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। अभी इसको हमने क्या यूजर डिफाइंड फ्रेंड में क्रिएट करेंगे, तो कैसे करते हैं इसे एक्सटेंड फ्रेम। ओके, यहाँ पे एक्सटेंड फ्रेम कर दिया। अभी जो हमारी फ्रेम की प्रॉपर्टी है तो इस कंस्ट्रक्टर में हम प्रोवाइड करेंगे, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट है दिस डॉट सेट विजिबल, हमें क्या फ्रेम को विजिबल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है क्या? नहीं। ओके, तो यहाँ पे ट्रू। देन दिस डॉट सेट टाइटल, फ्रेम को टाइटल भी प्रोवाइड कर लेते हैं, तो टाइटल प्रोवाइड कर लेते हैं क्या एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट क्लास यूजिंग ग्रिड लेआउट मतलब रोज एंड कॉलम कर देते, ठीक है, रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, टाइटल हो गया हमारा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्रेम की साइज सेट कर लेता हूँ दिस डॉट सेट साइज, और मैं फ्रेम की साइज प्रोवाइड कर देता हूँ 500 बाय 500। ओके, देन मैं क्या कर लेता हूँ हमारी जो फ्रेम है ना उसको क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ विंडो क्लोजिंग। ठीक है, विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी कैसे प्रोवाइड कर रहे थे? दिस डॉट विंडो लिस्नर। ठीक है, दिस डॉट विंडो लिस्नर, यहाँ पे हमें कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है? तो विंडो लिस्नर इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन का। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ न्यू विंडो अडाप्टर का इंडो अनोनिमस क्लास क्रिएट कर लेता हूँ विंडो अडाप्टर। ठीक है, यहाँ पे अनोनिमस मिलता, और यहाँ पे मुझे कौन सी मेथड ओवर एड करना पड़ेगा? विंडो क्लोजिंग मेथड ओवर एड करना पड़ेगा। यहाँ पे विंडो क्लोजिंग मेथड ओवर एड कर लिया, और यहाँ पे इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कैसे? स्ट्रीम डॉट डॉट एग्जिट। ठीक है, और स्टेटस प्रोवाइड करना पड़ेगा 0। तो सो देते हैं हमारा फ्रेम क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। देन देखिए दोस्तों अभी क्या कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जी आई कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं क्रिएटिंग बटन्स। तो मैं यहाँ पे 9 बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन बटन, और इस बटन का हम लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं 1। ठीक है, बटन लेबल इज 1, और इस तरह से हमने बटन 1 क्रिएट कर लिया। इस तरह से हमने क्या 9 बटन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं इस बटन को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और हमें 9 बटन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा B2, हमारा बटन लेबल क्या हो जाएगा 2। थर्ड बटन कर लेते हैं, इसका रेफरेंस लेते हैं B3, और बटन लेबल होगा 3। ओके, देन बट रेफरेंस हो गया B4, और बटन लेबल हो गया 4। B5 रेफरेंस हो गया B5, और बटन लेबल हो गया B5। देन बटन कर लेते हैं, इसका लेबल होगा 6। नेक्स्ट बटन 7, इसका लेवल होगा 7। ओके, देन और दोनों बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसका लेवल होगा 8 और 9। आप हमने नेक्स्ट बटन क्रिएट कर लिया 8, और उसका लेवल नेक्स्ट उसका लास्ट बटन क्रिएट कर दे जिसका लेवल क्या हो गया
9, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने बटन क्रिएट कर लिए, 9 बटन क्रिएट कर लिया। ओके, अभी ये जो बटन है, ठीक है, इन बटन को हम क्या करेंगे, फ्रेम में ऐड करेंगे। तो क्या यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, एडिंग बटन बटन्स टू द फ्रेम। ओके, तो कैसे ऐड कर लेते हैं, दिस डॉट ऐड, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या, ये जो बटन बी वन है वो ऐड करना होगा, तो क्या बी वन रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन फ्रेम पे दूसरा सेकंड बटन ऐड करना होगा, था क्या यहाँ पे बी टू रेफरेंस प्रोवाइड कर लेते हैं, बटन टू इसका लेबल क्या होगा, टू होगा। सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ, हमें कौन सा बटन ऐड करना है, बी थ्री, तो यहाँ पे बी थ्री भी बटन ऐड कर लें। इस सेम अप्रोच हमने क्या करें, कितने बटन ऐड करेंगे, सभी बटन ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बी फोर, ओके, बटन बी फोर ऐड कर लिया, देन बी फाइव, देन बी सिक्स, ये छः बटन ऐड कर दिया फ्रेम पे। हमें क्या, हमारे पास कितने बटन है, 9 बटन है, तो सभी बटन ऐड कर लेते हैं, बी सेवन, बी एट, एंड देन लास्ट बटन का बी नाइन, ठीक है। तो इस अप्रोच हमने क्या, सभी बटन फ्रेम में ऐड कर लिया। देन लास्ट स्टेप क्या है हमारा, सेटिंग ग्रिड लेआउट, ठीक है। सेटिंग कमेंट कर लेते हैं, सेटिंग ग्रिड लेआउट, सेटिंग ग्रिड लेआउट ऑफ थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, ठीक है। हमें थ्री रोज एंड थ्री कॉलम के साथ क्या करना है, हमें लेआउट सेट करना है। तो कैसे करते देखिए, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या है ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ग्रिड लेआउट रेफरेंस लेते जी एल इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट, ओके। और हमें कितने रोज एंड कॉलम क्रिएट करना है, थ्री, तो यहाँ पे देखिए थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, ओके। हमने यहाँ पे ग्रिड लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी फ्रेम को लेकर लेआउट कैसे सेट करते हैं, डॉट कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, सेट लेआउट मेथड कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें आप पैरामीटर किसका प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो हमने ने किया है ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करेगा जीरो, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या लेआउट सेट हो जाएगा। तो हमारा जो यूजर डिफाइंड फ्रेम है कौन सा, ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ओके, इसका ने क्या हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे, मेन मेथड में। तो यहाँ पे मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ओके। और इसका ले लेते हैं जी एल ई करके रेफरेंस लेते हैं, और ये ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ठीक है, हम सेंड करें, हो गया। इस प्रोग्राम सेव कर लेते हैं और क्या कर रहे हैं, रन करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे पास नहीं क्या, जब हमने नहीं क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर विथ रोज एंड कॉलम, देखिए थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, देखिए वन टू थ्री, ठीक है, थ्री रोज क्रिएट हो गया, ठीक है। और कॉलम भी देखिए वन टू थ्री, मतलब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज करके हमने क्या ग्रिड लेआउट सेट कर सकते हैं।